दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय एनआर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बिलासपुर। हमीरपुर जिला के सुजानपुर के पास व्यास नदी में मंगलवार को डूबे युवक की तलाश अब कैमरों की सहायता से की जा रही है। स्पेशल एनडीआरएफ की टीम के 10 सदस्य युवक को नदी के भीतर तलाश रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम की अगुवाई कर रहे महेंद्र सिंह ने बताया, बुधवार को टीम ने तलाश शुरू कर दी थी लेकिन देर शाम तक कुछ भी पकड़ में नहीं आया। इसके बाद गुरुवार को टीम एक्सपर्ट कैमरा व वीडियोग्राफी के माध्यम से व्यास नदी से युवक को ढूंढने का कार्य कर रही है। टीम नदी में उतरकर पानी में स्कैनिंग सुविधा के तहत गहराई वाले स्थान की छानबीन कर रही है। इस टीम के साथ सुजानपुर थाना प्रभारी सुभाष शास्त्री भी सर्च अभियान में लगे हैं। टीम के साथ नौका में बैठकर सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जिस स्थान पर युवक डूबा है उसे अलग अलग सेक्टर में बांटकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। टीम का यह खोज अभियान लगातार जारी रहेगा। उधर घटनास्थल पर युवक के परिजन और अकादमी के साथी भी अपने स्तर पर लगातार तीसरे दिन खोज में जुटे हैं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए सुजानपुर से गौरव जैन की रिपोर्ट। एनआर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल चांदपुर जिला बिलासपुर, यहां पर सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। ओपीडी, आईपीडी, आपातकाल, फार्मेसी, एम्बुलेंस सेवा, सभी मॉड्यूलर सुविधाओं के साथ हाईटेक ओटी, डीलेक्स एसी रूम, जनरल वार्ड, उत्कृष्ट नर्सिंग देखभाल, हाईटेक प्रयोगशाला और डिजिटल एक्सरे सुविधा उपलब्ध। ऑर्थो और न्यूरो की सुविधा भी शुरू। बिलासपुर से बाहर जाने की जरूरत नहीं। हमने हाल ही में एनआर हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी की सुविधा जो है शुरू करी हुई है। अब लोगों को इसके लिए पीजीआई चंडीगढ़ या शिमला जाने की जरूरत नहीं है। जो भी दुर्घटना वाले केसेस होते हैं हम उनको यहीं ट्रीट कर रहे हैं और लोगों की जान जो है बचाई जा सकती है समय रहते। इसके साथ ही हमें यहाँ पे घुटने और कूल्हे बदलने के लिए भी के जो ऑपरेशन है वो भी शुरू हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9736514253, 9816142532।